हेलो फ्रेंड, बिजनेस मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज, अर्न मनी, मोटिवेशन, मार्केटिंग, पब्लिसिटी आदि के बारे में जानकारी देते हैं, जो खासकर नए बिजनेस करने वालों के लिए उपयोगी होते हैं। आज हम गाय के गोबर के बने कंडे तथा गोबर से बने अन्य प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस तरह बेचे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। यदि इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने में आपकी रुचि है तो वीडियो को पूरा देखें, बाद में कोई सवाल होने पर आप हमसे पूछ सकते। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें पूरा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद उन चीजों के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। गोबर को भी उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। यहाँ वहाँ पड़े गोबर को देखकर अनेक लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ नए सोच वाले व्यापारियों ने अपना दिमाग लगाया और उस गोबर को कचरे से उठाकर ऑनलाइन स्टोर पर रखकर अपनी कमाई शुरू कर दी। गोबर के बने कंडे ऑनलाइन बिकने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के अनेक लोगों के लिए कमाई के रास्ते खुल गए। गोबर के कंडे यानी उपले, गोबर का खाद, गोमूत्र, गो अर्क, गोमय भस्म आदि ऑनलाइन स्टोर पर सप्लाई देकर हर माह अच्छी कमाई कर सकते हैं। कई बड़े ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजन, स्नैपडील, टॉप क्लोज, ईबे आदि पर कंडे, गोमूत्र, गो अर्क आदि बिक रहे हैं। अलग अलग ऑनलाइन स्टोर पर उपलों के रेट भी अलग अलग है। कंडे यहाँ पर 50 से 200 रुपए तक में बिक रहे हैं। मजेदार बात यह है कि व्यापारियों द्वारा फेस्टिवल सीजन में इन प्रोडक्ट पर विशेष ऑफर भी दिया जा रहा है। हिंदुओं द्वारा धार्मिक कार्यों के लिए गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के बाद हवन के लिए कंडों का इस्तेमाल करते हैं। इसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। गांव में अनेक घरों में आज भी घर के सामने गोबर से लिपाई की जाती है। गाय के गोबर के कंडों का व्यापार अब वैश्विक आकार ले चुका है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी काफी डिमांड है। ऑनलाइन विक्रेताओं के पास इसके काफी ऑर्डर आ रहे हैं। गांव में रहकर आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपके पास गाय है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप गांव में गोबर का कलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद उसे अच्छे से सुखाकर उसे पैक कर फेमस ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के द्वारा इन्हें बेच सकते हैं। यहाँ हम एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। अनेक लोग ये सोचते हैं कि गांव में रहकर कुछ नहीं किया जा सकता। छोटे गांव में रहने वाले इस व्यक्ति ने अपनी सोच की बदौलत बड़ी उपलब्धि हासिल की। राकेश जायसवाल ने सबसे पहले ऑनलाइन गोबर के कंडे का कारोबार शुरू कर खुद अच्छी कमाई करने के साथ गांव में रहने वालों के लिए कमाई के नए रास्ते खोल दिए। छत्तीसगढ़ के चांपा जिले के एक छोटे से गांव जांगरा में रहने वाले राकेश जायसवाल के दिमाग में ऑनलाइन गोबर के कंडे बेचने का आइडिया आया। इसके बाद उन्होंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले वे एक इंजीनियर से मिले और उनसे इंटरनेट तथा ऑनलाइन बिजनेस के बारे में अहम जानकारियां जुटाई। इसके बाद अहमदाबाद गए, वहां से एक फर्म से गोबर के कंडे की पैकिंग के लिए मशीन तथा एक ही साइज के उपले बनाने के लिए डाई खरीदी। वहां से रायपुर चले आए, यहां से उन्होंने पैकेजिंग का सामान खरीदा और घर आकर डाई के द्वारा गोबर के उपले को तैयार करने में लग गए। उपलों को पैकिंग मशीन द्वारा अच्छे से पैक करके रख लिया। अब वे अपना कारोबार शुरू करने के लिए तैयार थे। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करवाना जरूरी था। कुछ ही दिनों में उन्होंने इसे भी पूरा कर लिया। अब ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की साइट पर सेलर सेक्शन में उन्होंने अपने कंपनी को प्रोडक्ट सेल के लिए रजिस्टर्ड किया। इसके बाद उन्हें वेबसाइट पर कंडे बेचने की हरी झंडी मिल गई। इस सक्सेस वे खुशी से उछल पड़े। कुछ ही दिनों में उन्हें कंडों का ऑर्डर भी मिलने लगा। अमेजन सेलर राकेश जायसवाल के अनुसार वे 24 उपलों का एक पैकेट बनाते हैं जिसे 199 रुपये में बेचते हैं। एक उपले पर 3 रुपये का खर्च आता है। 24 उपले 72 रुपये में बनते हैं। एक पैकेट पर उनको 127 रुपये का मुनाफा होता है। राकेश आज अमेजन पर कंडों के अलावा जैविक खाद तथा केचुआ खाद भी सेल कर रहे हैं। इस बात से आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बेकार समझे जाने वाले किसी भी चीज को यदि हाईटेक तरीके से पेश किया जाए तो उसकी कीमत कई गुना अधिक बढ़ जाती है। आप देश के किसी भी गांव में रहकर इस बिजनेस को कर सकते हैं।
फिर देर किस बात की, आप भी शुरू करें इस बिजनेस को और प्रति माह लाखों की कमाई करें। गोबर के बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप बिजनेस मंत्रा ब्लॉग देख सकते हैं। ब्लॉग का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ऑनलाइन अंडे के बिजनेस के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बिजनेस मंत्रा चैनल पर जो लोग नए आए हैं उन्हें बिजनेस से संबंधित जानकारी में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि बिजनेस मंत्रा पर वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। गुड बाय।